12 महीने की गंदम है वो आप अपने घर पे जाके रखो, कल आपको परेशानी नहीं हो, आपके बच्चे हैं भूख नहीं मरे, उसी हिसाब से जितना भी फसल होता है उनका हिसाब किताब होता है, मैं जो है उसका छठवें महीने हिसाब करता हूँ, 12 महीने का हिसाब नहीं होता हमारे पास, छठवें महीने हिसाब करते हैं फसल का, जितना भी उनका आधा आता है उनको दे देते हैं तकसीम करके। शुक्र है अल्लाह का, फर्स्ट क्लास जिंदगी गुजरती है, हम खुद कास्ट करते हैं ना उसकी वजह से हमारे खुद फसल भी आती है अपनी, कुछ हारियों से आता है तो फिर सुकून से गुजरा हो जाता है। हर एक हिसाब से लिख के उनको बताते हैं, कापी उनके सामने रखते हैं हिसाब के अंदर भी, बाबा ये कापी है, ये आपके बिल लिखे हुए हैं, आप खुद देख लो इनको, कोई गलती है इनके अंदर, कोई गलत लिखा हुआ है, उनको दिखाते हैं, वो खुद देख के बोलते हैं सही सही है हिसाब, उसके बाद हिसाब करते हैं उनका, हिसाब अपने उनको हवाले करते हैं, बाबा ये अपना लेके जाओ। हम खुद काम करते हैं उनके साथ, हमको एहसास हो जाता है खाद या बीज ज्यादा वो भरता है, हम भरते हैं। हमारा गांव वादबश कान्यो, हमारा जमींदार बागम कान्यो, अच्छा से चल रहा है हमारे साथ, कभी भी हमारे से नाइन सब नहीं करता, साथ चलता है, साथ बैठता है, जब भी कुछ मांगते हैं हमको दे देता है, बनिया काम खुद कराता है, हम भी करते हैं, हम आपस में मिलजुल के काम करते हैं, अल्लाह के करम से हमारे ऐसी चलती है कि मोहब्बत के जमींदार हिसाब और हरियाणा हिसाब यही नहीं। वो हिसाब नहीं है बड़ा जो भाई एक साल में दो साल में होता है, नहीं जैसे फसल होती आधा वो ले गया आधा हम ले गए, फूटी जैसे उतरती है तीन चार मन लेके जाते हैं एक्स्ट्रा पे, उधर बांटते हैं बेचते हैं, तो उधर ही आधा वो ले जाता है आधा जमींदार ले जाता है। शाम को टाइम होता है तो अपने हारियों के पास शाम को जमीन पे जाता हूँ, काम देखता हूँ उनका, पूछता हूँ किसी चीज की आपको जरूरत हो, कोई भी मुश्किलात हो आपके साथ तो हम डिवाइड करें आपके साथ। आज भी जाओगे मेरे, ये भी मेरा गांव है, इससे आगे भी एक मेरा गांव है, किसी भी गरीब से जाके पूछोगे, बिजली मेरी चलती है उस गांव के अंदर, बिजली मंजूर करा के दिए मैंने, मीटर लगे हुए हैं, लेकिन बिल वो बस बिल उनको नहीं, वो नहीं देते हारी मेरे बिल, सारा जो है 50 घर है, 50 घर का बिल मैं देता हूँ। असा ठीक कल लाइट असा वट सजे गोठ जी फ्री है, असा तकरीबन हारी इंजार छह सत्त आयो पर तकरीबन टी पंटी घर वेठा सबन जी फ्री है, कणक आए जो फसल असा थे तो अद विरायो असा के दियो छदे पांजो असी कम करियो पांजो वरी हल्याला वणु 12 1 बजे घर वो वरी मानी बानी खायो पांजो आराम करियो वरी शाम जो वरी हल्या छु। वो तो घर का भाती हो गया हारी, उसके साथ हम सही नहीं चलेंगे तो चलेगा ही नहीं, मरना दुख सुख हमको देना पड़ता है उसको। पहले तो बहुत खेलते थे लेकिन अभी कम खेलते हैं, तो सब साथ खेलते हैं मिलके, हारी नहीं खेलते हैं लेकिन उसके बच्चे हैं वो खेलते हैं साथ, अभी तक खेल रहे हैं बच्चों के साथ खेलते हैं, पीछे हमारा एक दरगाह है मेरा शाह उधर ग्राउंड बना हुआ है उधर खेलते हैं जाके, ये महसूस ही नहीं करते हैं वो हारी हैं या हम जमींदार हैं, हम खुद उसके साथ काम करते हैं तो हम कैसे महसूस करेंगे। या हमको ऐसा समझता है बड़ा हमारा चाचा है, हम साथ काम करते हैं, वो दिलचस्पी होती है, वो काम भी जल्दी हो जाता है, कुछ ऐसे आ रही होते हैं काम भी नहीं करते, कुछ जमींदार ऐसे आते ही नहीं है वो कमदार को छोड़ देते हैं, जमींदार का खुद का काम है वो चक्कर लगाएं हारी की देखभाल करें, फिर जमींदार भी कमाएगा हारी भी कमाएगा, अगर ये ऐसे घर बैठे 10-10 हज़ार लिख लिख देंगे तो ये नहीं चलेगा, नहीं हारी का काम होगा नहीं जमींदार का होगा, तो अगर सब मिल के काम करें तो फिर उसमें मजा है, हारी को भी फायदा है तो जमींदार को भी फायदा है।